Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. This is Anish Tabassum and I teach business. This is basically June 22 ke revision session chal rahe hain and we are on unit number 4. Aur hum logon ne aaj chapter number 23 and chapter number 24 complete karna hai, which basically concludes our unit number 4. Last ke andar humne chapter 22 ko complete kiya tha aur ab 23 aur 24 ke bare mein humne baat karni hai. Aur ye cheez dhyan mein rakhein ki please apne aap ko sab mute kar le, kyunki it's difficult ki main har ek ko alag-alag म्यूट अनम्यूट करता रहूं. थैंक यू. ओके जी, फाइन. सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी डिड इन आवर लास्ट क्लास. चैप्टर नंबर 22 को हम लोगों ने डिस्कस किया था और हम लोग जो हैं अब चैप्टर नंबर 24 की तरफ, हम लोग 23 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं. और चैप्टर नंबर 23 जो है, दिस इज ऑपरेशन प्लानिंग, व्हिच इज वन रियली लेंथी चैप्टर. और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चैप्टर पेपर वन और पेपर टू के अंदर आती हैं. सही है? तो दिस इज चैप्टर नंबर 23, ऑपरेशन प्लानिंग. ठीक है जी. अच्छा, ऑपरेशन प्लानिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये है कि हम लोगों को बहुत सारी चीजें देखनी है. नंबर वन चीज हमें ये देखनी है कि हमारे पास जो जो रिसोर्सेज हैं, जो इनपुट्स हैं, उन इनपुट्स की सप्लाई किस तरह से आएगी और किस तरह से उनको आउटपुट्स के लिए उनको मीट करना है. ये हमारा असल प्लान है. कि प्लानिंग का मतलब ये है इसके अंदर कि हमारे पास इनपुट्स कहाँ कहाँ से आएंगी, किस तरह की इनपुट्स होंगी, कैसे उनको प्रोसेस किया जाएगा और कैसे एक डिजायर्ड रिक्वायर्ड आउटपुट के लिए हम उसको डिराइव करेंगे. दिस इज नोन एज योर ऑपरेशन प्लानिंग. ठीक है जी. तो ऑपरेशन प्लानिंग के लिए हाथ से सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने जहन में रखनी है वो ये है कि ऑपरेशंस डिसीजंस जो हैं, ठीक है, ऑपरेशन डिसीजन जो है वो बेसिकली काफी सारे लिंक्ड होते हैं. ये नंबर वन जो लिंक होता है, ये लिंक होता है आपका लिंक विद मार्केटिंग होता है. ठीक है. लिंक विद मार्केटिंग के अंदर हम लोगों ने ये बात करनी होती है कि हमारे पास जो डिमांड है वो क्लोजली मीट कर सके हमारे जितनी हम लोगों ने रिसर्च की होती है उसके लिहाज से. और क्योंकि मार्केटिंग जो है वो रिसर्च करके देता है, ऑपरेशंस जो है वो उस पर प्रोड्यूस करता है, तो उस एडेक्वेट और उस एक्यूरेट लेवल के ऊपर प्रोडक्शन हो सके जो डिमांड एग्जिस्ट करती हो, प्लस उसी के लिहाज से जो सप्लाईज हैं वो मेंटेन की जा सकें. सिमिलरली हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में इससे पता चलता है कि कितनी इन्वेंट्री हमें रखनी है, कितना हम लोगों ने वेस्टेजेस को रिड्यूस करना है, कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो पेरिशेबल होगी, अगर वो रिजेक्टेड होगी तो किस तरह से चीज को हम लोगों ने हैंडल करना है. ठीक है. सिमिलरली हम लोगों ने ये भी चीज देखनी है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमें चाहिए होंगे, सो दैट हम लोग उसको मार्केट कर सकें, सेल्स कर सकें, और प्रोडक्शन के लिए हमें कितने लोगों की जरूरत होगी. ठीक. एंड देन हमारे पास सही तरीके से जो प्रोडक्ट रेंज है वो भी हमें पता चलना चाहिए कि हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाने या प्रोडक्ट रेंजेस बनाने. ठीक है. नंबर टू जो हमारे पास जो इसमें ऑपरेशनल डिसीजन में जो लिंक होता है, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है. अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है कि हमारे पास जो लोकेशन है, हमने कहाँ पर प्रोड्यूस करना है, ठीक है, किस तरह का प्रोडक्शन मेथड हम लोगों ने इस्तेमाल करना है और हमें क्या ऑटोमेशन की जरूरत है या नहीं है. ये वो चीजें हैं जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज में होती हैं. एट टाइम्स हमारे पास जो काम अवेलेबल होता है उसके लिए लोकेशन चेंज करनी पड़ती है, उसके लिए हमें किसी दूसरी जगह पर जाकर प्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि शायद हम एग्जिस्टिंग लोकेशन के ऊपर काम उससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते. फिर हम लोगों को ऑपरेशन साइज भी देखना पड़ता है, किस लिहाज से हम काम कर रहे हैं. Therefore, it is important कि हमारे पास जो प्रोडक्शन मेथड हो वो उस चीज को अलाइन कर सके. फिर ये भी देखना है कि आया ये बेसिकली हमें ऑटोमेशन की तरफ जाना है या नहीं जाना. और तीसरी चीज जो इसके अंदर हमारे पास आती है, दैट इज नोन एज टेक्नोलॉजी. ठीक है. टेक्नोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि क्या हम लोग, अब यहाँ पर हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दिस इज नोन एज CAD एंड CAM. ठीक है. CAD is computer aided manufacturing, computer aided design, और CAM is computer aided manufacturing. यानी CAD का मतलब ये है कि कंप्यूटर की मदद से हम लोग 2D और 3D graphical representation बनाएं of the desired product, physical object का हम 2D और 3D object हम कंप्यूटर पे बनाते हैं. सही है. और CAM का मतलब ये है कि use of softwares and to control the machine in order to manufacture the component. ठीक है. अब हम मशीन के थ्रू उस कॉम्पोनेंट को हम बनाते हैं. जब CAD और CAM की बात आती है तो CAD और CAM के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये, CAD के फायदे क्या हैं. CAD के फायदों के लिहाज से सबसे पहला फायदा ये कि जब हम CAD को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास जो डेवलपमेंट कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि हम वर्चुअली चीज बना रहे होते हैं,
हम कोई फिजिकल चीज नहीं बना रहे होते, तो उससे मटेरियल वगैरह इस्तेमाल हो नहीं रहे होते। नंबर टू, डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि आपके पास बड़ा स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, स्किल्ड लोग होते हैं, डेफिनेटली वो बहुत हाई प्रोडक्टिविटी, बड़े हाई इंटेंस लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। थर्ड, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है इसलिए क्योंकि आपके पास हर इन्स एंड आउट्स को आप देख सकते हैं, और इवन अब तो कैट के प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर इतने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड आ चुके हैं, वो बकायदा डेंसिटी और वेट डिस्ट्रीब्यूशन और हर चीज को इस तरह की अलाइनमेंट दे देते हैं। तो यू हैव अ फुल प्रूफ एरर फ्री किस्म की वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। सिमिलरली फास्टर टाइम टू मार्केट, इसका ये चीज जो है वो इसलिए क्योंकि आप इस चीज को बनाकर जल्द से जल्द अपने जो कस्टमर होता है उसको आप दिखा भी सकते हैं, उसका फीडबैक भी ले सकते हैं, उसमें ऑल्टरेशन भी कर सकते हैं, और आपका जो जो लीड टाइम है वो बहुत तेजी से कम हो जाता है, ठीक है। अगेन जो हमारे पास इसमें एरर्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, ये बेसिकली बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के लिहाज से बना हुआ होता है क्योंकि परसेंटेजेस और सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स को बहुत सही तरीके से ये लोग चीज देख रहे होते हैं, तो एग्जैक्टली वो चीज आपको सामने नजर आती है जो आपके रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और एट टाइम्स कंपनीज जो है वो कैट को इस्तेमाल इसलिए नहीं करती क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं जो कंपनी शायद हायर ही ना कर पाए, ठीक है। और इसके लिए एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरत होती है, या अगर ट्रेन नहीं करना आपने तो स्किल्ड बंदे को जॉब रखेंगे तो इट्स गोइंग टू वेरी एक्सपेंसिव। और सिमिलरली आपके पास बहुत ज्यादा कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर आपको चाहिए होती है क्योंकि ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये कोई हल्के फुल्के कंप्यूटर्स पे चलते नहीं है, ये अच्छे खासे भारी भरकम कंप्यूटर्स पे चलते हैं, टू हैव देम इट्स लाइक डिफिकल्ट। कैट के लिहाज से ये हमारे फायदे नुकसान हो गए। और कैम के अंदर जो हमारे पास फायदे आते हैं वो ये, क्योंकि कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एडेड मैन्युफैक्चरिंग होती है तो इसके थ्रू हमारे पास जो प्रिसाइज मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो जैसा हम लोगों को इनपुट दिया जाता है एग्जैक्टली वैसा एक इनपुट और मिलियंस यूनिट भी एग्जैक्टली उसी डायमेंशन पर बन रहे होते हैं, तो एक लार्ज स्केल के ऊपर बहुत ज्यादा आपकी प्रिसाइज मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। अच्छा, इसके अंदर क्वालिटी प्रॉब्लम होती नहीं है क्योंकि कंप्यूटर को जो चीज फीड की जाती है उसी लिहाज से वो प्रोड्यूस करना शुरू करता है, तो क्वालिटी मेंटेनेंस के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता है। स्पीड बहुत तेज होती है, कंप्यूटर काम करता है मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स इन वन आवर या थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ मिनट के लिहाज से वो प्रोसेसिंग कर रहा होता है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, तो इट्स रियली फास्ट स्पीड जिससे हमारी जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। एट टाइम्स इट इज मोर फ्लेक्सिबल, इसमें चेंजेस करना बड़ा आसान होता है क्योंकि रिक्वायर्ड एलिमेंट्स जो होते हैं कंप्यूटर एरिया मैन्युफैक्चर में कंपोनेंट्स के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो जो कोई कंपोनेंट अगर आपको लगता है थोड़ा सा वीक हो रहा है, जस्ट कैन रिप्लेस प्लग एंड प्ले के साथ ये मशीन्स काम कर रही होती हैं, जस्ट लाइक योर लैपटॉप और योर मोबाइल फोन, जैसे आपने उसके साथ एकदम से ब्लूटूथ से कोई चीज कनेक्ट कर दी है और वो अगर रिचार्ज करनी है तो आपने बड़े आराम से उसे डिटैच किया, रिचार्ज किया और रिचार्ज करके आपने दोबारा से उसे प्लग इन कर दिया, तो प्रोडक्शन के अंदर ऐसा कुछ इतना मसला नजर नहीं आता है इसके अंदर। सिमिलरली ये चीज ध्यान में रखोगे, कैट को जिस वक्त कैम के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है। कंप्यूटर ही जो है वो डिजाइन के जितने नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे कैम को दे रहा होता है, और कैम और कैट कैन टॉक इजिली विद ईच अदर, तो दैट बेसिकली एनहांसेस द ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज द प्रोडक्शन स्पीड। लेकिन इसके साथ जो हमारे पास एक बड़ा मसला है वो ये है, कैट के स्कैम के साथ जो मसला है वो ये है कि आपका जो हार्डवेयर है या जो प्रोग्राम्स हैं, जो एम्प्लॉय ट्रेनिंग वगैरह है वो बहुत ज्यादा चाहिए होती है क्योंकि इसमें आपको कैट के साथ कोहेरेंट करना होता है कैम को, तो उसके हार्डवेयर भी काफी महंगे होते हैं, प्लस मशीन्स जो होती हैं कैम मशीन्स जो होती हैं वो इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, तो ये भी इसके साथ एक इशू नजर आ रहा होता है। आपके पास एट टाइम्स हार्डवेयर फेलियर हो जाता है, हार्डवेयर फेलियर की वजह से शायद आपको उसका स्पेयर पार्ट मिलना या आपका उसको उसके लिए आपके रिक्वायर्ड कंपोनेंट का मिलना शायद थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, और अगर कंपनीज उसको स्पेयर में रखती भी हैं तो वो कब इस्तेमाल होता है कब इस्तेमाल नहीं होता यू नेवर नो, तो एकदम से आपकी होल्डिंग कॉस्ट भी उसके साथ बढ़ जाती है। अगेन कंप्यूटर है, एरर्स आ सकते हैं, हैक हो सकता है, उसमें कोई बग्स आ सकते हैं, तो एरर्स मे डिसकंटिन्यू द ओवरऑल ऑपरेशन, ठीक है जी। तो ये चीज हमारे पास इन टर्म्स ऑफ कैड और कैम के लिहाज से आती है। फिर हमारे पास जो चीज आती है दैट इज द नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, अब जो नीड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्यों चाहिए होती है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, एट टाइम्स वी हैव टू एक्सटेंड और इंक्रीज आवर कैपेसिटी।
और इसके अंदर हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग इतने आराम से कैपेसिटी बढ़ा नहीं सकते, हमें एक नया प्रोडक्ट बनाना है तो उसके हम नई मशीन लगा नहीं सकते, तो हमारे पास एक ऐसी मशीन पहले से होनी चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, जो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे इजीली मूव कर सके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक वक्त के अंदर पेप्सी कैंस भर रहा हूँ तो मुझे एक दूसरी एक बिल्कुल पैरल एक और मशीन लगानी पड़ेगी जो मिरिंडा भर रही होगी। आई नीड टू हैव दैट सिमिलर मशीन फ्लेक्सिबल इनफ कि उस पर सिरप जो है, जैसे हम उसके अंदर कोक पेप्सी का डालते हैं तो पेप्सी कैन भरने शुरू हो जाएं, वी चेंज द सप्लाई लाइन विद मिरिंडा कैंस और उसके अंदर सिरप को हम चेंज करते हैं, तो वो बकायदा बगैर किसी एरर के थ्रू, इन कंटामिनेशन के थ्रू वो मिरिंडा को भरना शुरू कर दें। तो उससे हमारे पास एक ही मशीन मल्टीपल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकती है। नंबर टू, डेफिनेटली आपको स्टॉक ज्यादा हाई रखना नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप नई मशीन भी लेते हैं तो आपको उसके लिए आपको स्पेयर पार्ट्स, उसके लिहाज से चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ती हैं, जगह ज्यादा चाहिए होती है, दैट अगेन फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो कम हो जाती है। नंबर थ्री, आपके पास जो फ्लेक्सिबिलिटी जब आती है तो आपको वर्कफोर्स जो होता है वो भी बड़ा अडेप्टेबल और बड़ा स्किलफुल बन जाता है, क्योंकि वो डिफरेंट मशीन्स के ऊपर काम करता है, तो उनके लिहाज से भी ये चीज़ होती है कि दे आर नॉट डूइंग आर मोनोटनस वर्क, तो उनके लिए भी थोड़ी सी मोटिवेशन वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। और जहाँ तक हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से, तो याद रखो फ्लेक्सिबिलिटी हासिल करना इज नॉट वेरी इजी, देयरफॉर फ्लेक्सिबिलिटी को हासिल करने के लिए यू हैव टू हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, क्योंकि एक सर्टन काम करने की मशीन रिलेटिवली सस्ती हो सकती है, लेकिन एक ऐसी मशीनरी जो मल्टीपल टास्क कर सकती होगी वो डेफिनेटली थोड़ी सी महंगी भी होगी। ठीक है, इसके लिहाज से हमारे पास जो दूसरी चीज आती है दैट इज आर प्रोसेस इनोवेशन, और प्रोसेस इनोवेशन के अंदर हमारे पास जो चीज़ है वो ये है कि हम लोग रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर। ठीक है, उसमें हम फास्ट मशीन्स जो है माइक्रोचिप वाली मशीन्स का, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम लोग कंप्यूटर ट्रैकिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं फॉर स्टॉक मैनेजमेंट, फिर इसी तरह से हम लोग जो है वो इंटरनेट के थ्रू एग्जैक्ट लोकेशंस वगैरह जैसे GPS वगैरह होता है वो भी हम लोग अपने ट्रांसपोर्टेशन में लगाते हैं कि हमारा ऐसा ट्रांसपोर्टेशन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो जब हम इनोवेशन की बात कर रहे होते हैं तो याद रखें कि इनोवेशन के अंदर हमारे पास दो तरह की चीजें नजर आ रही होती हैं, एक चीज हमारे पास नजर आती है रैशनलाइजेशन, ठीक है, और एक चीज नजर आती है हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन का मतलब यह है कि काम को हम अच्छे तरीके से करेंगे, काम को हम बेहतर तरीके से करेंगे, यानी कि अगर जितने भी स्टेप्स हैं हम सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे लेकिन इन अ बेटर वे। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यह है कि जितने भी स्टेप्स हैं उनमें से सिर्फ ये देखा जाए किन स्टेप्स की जरूरत है, सिर्फ वही स्टेप्स किए जाएंगे, अननेसेसरी स्टेप्स को कम कर दिया जाएगा। रैशनलाइजेशन करें या ऑप्टिमाइजेशन करें, उन दोनों से हमारी स्पीड जो है काम की वो बढ़ जाती है। ठीक है, देन हमारे पास जो एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज आवर प्रोडक्शन मेथड्स। ठीक है, और प्रोडक्शन मेथड्स के अंदर हमारे पास जो चीज एग्जिस्ट कर रही होती है दैट इज जो हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं दैट इज नोन एज आवर जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, फ्लो प्रोडक्शन, एंड मास कस्टमाइजेशन। ठीक है, जॉब प्रोडक्शन का बेसिक मतलब यह है कि हमारे पास कोई भी एक प्रोडक्ट बन रहा होगा, सही है, और वो स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाएगा और वही चीज प्रोड्यूस की जाएगी, नए प्रोडक्ट के लिए दोबारा से इनपुट लिया जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा, आउटपुट बनाया जाएगा। यानी जॉब प्रोडक्शन के अंदर हर प्रोडक्ट के लिए, हर एक सर्टन ऑर्डर के लिए इनपुट डिसाइड किया जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा, फिर आउटपुट, यानी एट अ टाइम सिर्फ एक प्रोडक्ट को बनाया जाएगा। बैच आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स के लिहाज से होता है जहां पर एक लिमिटेड नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आर मेड और हर आइडेंटिकल बैच जो होता है वो एक सर्टेन प्रोसेस से गुजरता है, फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस पे चला जाता है, जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता नेक्स्ट बैच एंटर नहीं हो सकता। ठीक है, हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाता है इसके अंदर। फ्लो प्रोडक्शन के अंदर होता ये कि हम कंटिन्यूसली हम काम कर रहे होते हैं, सिर्फ उन कामों के ऊपर हम फोकस करते हैं जिनमें वी आर गुड एंड एफिशिएंट। यानी बैच प्रोडक्शन के अंदर कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो शायद बिजनेस जो है वो अच्छे तरीके से काम ना कर पा रहा हो, लेकिन आपका जो बिजनेस है उसके अंदर से ये देखता है कि ऑप्टिमाइज करता है कि यार इन तमाम तक प्रोसेसेस में से कौन सा प्रोसेस ऐसा है जहां पर हमारी कॉस्ट ज्यादा लग रही, उसको वो किसी और को दे देता है, किसी और का मतलब है उसको आउटसोर्स कर देता है और अपने काम को स्पीड अप कर देता है। मास कस्टमाइजेशन में होता है कंप्यूटर फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू, यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, प्रोडक्शन के थ्रू कंपनीज जो है वो इंडिविजुअल लेवल की जो डिमांड्स है वो मीट करती है एट हाई डिमांड लेवल। ठीक है, मास प्रोडक्शन के ऊपर
अब पॉइंट इस तरह से है कि आपके पास जिस वक्त ये मास कस्टमाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है वो इस चीज को बेस बनाता है कि जैसे हम कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं तो एक वक्त में एक वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन हर एक की अपनी अपनी कार्ट होती है। ये कंप्यूटर एडेड प्रोग्रामिंग के थ्रू ही पॉसिबल है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ कैटर किया जा रहा होता है, ठीक है, तो और हर एक को एक्सक्लूसिवली हैंडल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है ना वो मास लेवल की होती है क्योंकि इसका फायदा बहुत है। जॉब प्रोडक्शन के अंदर इसका जो मेन फीचर है वो ये है कि हमारे पास इसमें सिंगल ऑफ आइटम बनता है, सही है, इसके अंदर हमें स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। इसकी जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि हमारे पास जो जॉब है वो इस लिहाज से काम की जाती है जितने हम लोग बेहतर तरीके से काम का आउटपुट निकाल सके, तो एरर फ्री काम करना लाजमी होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि हम पर यूनिट काम कर रहे होते हैं देयरफॉर इट इज वेरी हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन और बड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है और बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ टूल्स की जरूरत होती है क्योंकि किसी भी तरह से कोई भी जॉब हमें हम लोगों को करनी है। जब हम बैच प्रोडक्शन की बात करते हैं तो आइडेंटिकल प्रोसेसेस बन रहे होते हैं और यहाँ पर याद रखो कि यहाँ पर लेबर और मशीन दोनों होती है, यानी लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव दोनों होती है। क्योंकि हम एक बैच बनाते हैं, आइडेंटिकल बनाते हैं, उसके लिए हमें जो इनपुट होता है वो हम एक क्वांटिटी में खरीदते हैं तो हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल हो जाती है। फास्टर प्रोसेस होता है क्योंकि अब हम मशीन पे आ चुके हैं तो वी आर बिकमिंग फास्टर नाउ और हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है इसके अंदर कि हम एक सर्टन बैच की एक सर्टन टाइप वेरिएशन निकाल सकते हैं फिर अगले बैच के डिफरेंट वेरिएशन निकाल सकते हैं, ठीक है। इश्यूज इसमें ये है कि हमारे पास स्टॉक लेवल बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि बैच में होता है और बैच एक सर्टन क्वांटिटी का होता है तो उतनी ही क्वांटिटी का हमें हर ऑपरेशन के अंदर हमें उतनी ही क्वांटिटी हमें रखनी पड़ती है रिगार्डलेस के अगर वो हमारे पास स्टॉक अनसोल्ड पड़ा हुआ भी है या उसका जो माल जो हम लोग एज एन इनपुट रखते होते हैं वो भी हमने क्वांटिटी में खरीदना होता है तो इसलिए स्टॉक लेवल्स हाई हो जाते हैं। प्लस आपके पास जो यूनिट कॉस्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक जो फायदा नजर आ रहा होता है वो आपको नजर आता है इन टर्म्स ऑफ बल्क परचेजिंग और ये शायद हम इकोनॉमी ऑफ स्केल के अंदर ये बात कर चुके हैं बल्क ये करेंगे अभी आगे जाके। ये बल्क परचेजिंग के अंदर हमारे पास जो फायदा नजर आता है वो सिर्फ डिस्काउंट का नजर आता है लेकिन उसके साथ जो स्टोरेज कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑप्शनल कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो साथ लगती है, तो इसका मतलब ये है कि कॉस्ट बहुत ज्यादा रिड्यूस नहीं होती, इनविजिबल कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। फ्लो प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हम लोग स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स मास लेवल के ऊपर हम एक प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और सिर्फ स्पेशलाइज्ड काम कर रहे होते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड मशीन्स इसके लिए जरूरी होती हैं तो वी बेसिकली मूव फ्रॉम लेबर डिपेंडेंस टू कैपिटल डिपेंडेंस के ऊपर चले जाते हैं, तो स्पेशलाइज्ड मशीन्स के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा हैवी स्टेडी डिमांड अगर आपकी हो तब आप फ्लो प्रोडक्शन पे जाते हैं। आपकी डिमांड ऊपर नीचे होती रहती है तो फ्लो प्रोडक्शन मे नॉट बी एज कन्विंसिंग एज बैच प्रोडक्शन। जो बहुत बड़ा फायदा है वो ये है कि सिंस फ्लो प्रोडक्शन में जब कभी आप आते हैं तो आपके पास बल्क के साथ साथ मैनेजेरियल, फाइनेंशियल, टेक्निकल और मार्केटिंग इकोनॉमीज भी आ जाती हैं, हेंस आपकी यूनिट कॉस्ट जो है एकदम से ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाती है, ठीक है, और लेबर प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली हाई हो जाती है। फ्लो प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा इनफ्लेक्सिबल होता है क्योंकि आप अपने काम के अंदर सिर्फ स्पेशलाइज होते हैं तो उसमें जिस काम में आप स्पेशलाइज हैं सिर्फ वही काम कर पा रहे हैं, उससे ज्यादा आगे पीछे पुश करनी पड़ते हैं तो इनफ्लेक्सिबिलिटी इसमें थोड़ी सी आपकी थोड़ी सी बढ़ जाती है और डेफिनेटली इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू रन एंड ऑपरेट। मास कस्टमाइजेशन की अगर हम बात करें तो इट्स बेसिकली अ स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप अहेड, अपग्रेडेशन ऑफ फ्लो प्रोडक्शन मेथड जिसपे हम लोग जो है कंप्यूटर बेस के लिहाज से मास लेवल की इंडिविजुअल नीड्स को हम लोग कैटर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है बहुत ज्यादा मल्टी स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत होती है और यहाँ पर फ्लेक्सिबल वर्कर्स की जरूरत होती है और हमारे पास कंप्यूटर कंट्रोल प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर कंट्रोल ऑपरेशंस होना लाजमी होता है, ठीक है। अब आपके पास सिंस आप कंप्यूटर कंट्रोल के ऊपर जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव हो चुके हैं, हेंस आपकी जो यूनिट कॉस्ट जो होती है वो ऑपरेशनल लेवल के ऊपर बहुत कम हो जाती है क्योंकि आप मास लेवल पे काम करते हैं और आप इंडिविजुअल बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर के बेसिस के लिहाज से देर इज लेस लाइकली कि आपकी यूनिट कॉस्ट बढ़ रही हो। और लेकिन ये याद रखो कि बैच प्रोडक्शन या फ्लो प्रोडक्शन में से सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मास कस्टमाइजेशन होता है। कंपनीज कभी भी कोई कंप्लीटली अपने आपको मास कस्टमाइजेशन पे लेके नहीं जाती क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ऑपरेशन समझा जाता है, ठीक है। अब ये चीज ध्यान में रखो कि यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर्स हैं जिनको हम लोगों ने डिसाइड करना है ठीक है, उसमें हमारे पास जो पहला मेथड, पहले जो हमारे पास चीज आती है दिस इज साइज ऑफ मार्केट।
यानी हम लोगों को पहले ये देखना है कि हमारी मार्केट का साइज क्या है। अगर वो है ही सिर्फ हंड्रेड्स के अंदर, और उसके लिए जरूरी नहीं कि हम फ्लो प्रोडक्शन भेजाएं, हो सकता है हम थोड़ा बहुत बैच प्रोडक्शन कर लें, या अगर आपके विद इन हंड्रेड्स है तो हो सकता है शायद आप जॉब प्रोडक्शन पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर टू, कैपिटल अवेलेबल। आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप बैच की तरफ जा ही नहीं सकते, आपको लेबर पे ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ज्यादा है, अवेलेबल है, लेकिन वो इतनी नहीं है कि आप मास कस्टमाइजेशन में जा सकते हैं, मतलब आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा फ्लो प्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, सिमिलरली आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, सही है, आपके पास लेबर कितना है, कैपिटल कितना है, मशीन कितनी है, कितना कंप्यूटर इक्विपमेंट आप हासिल कर सकते हैं, आपको दिल तो आपके पास पैसा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके पास उससे रिलेटेड जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट्स है वो अवेलेबल नहीं है, या उतने स्किल्ड बंदे हायर नहीं है आपके पास, तो डेफिनेटली आपके पास इतनी जगह नहीं है, लोकेशन वगैरह के लिहाज से इतनी स्पेस लैंड अवेलेबल नहीं है, तो यू वोंट बी एबल टू चेंज योर ऑपरेशन मेथड। ठीक है, सिमिलरली आपको ये भी चीज देखनी है, ठीक है, अब उसके लिहाज से हम लोगों ने ये भी देखना है कि हमारे पास कस्टमर की डिमांड कितनी तेजी से फ्लक्चुएट करती है, अगर डिमांड बहुत तेजी से फ्लक्चुएट कर रही है तो डेफिनेटली वी मे नॉट बी एबल टू मेक श्योर के काम को किसान से किया जाए। ठीक है, तो क्या हमें एक सर्टन छोटी टेम्परेरी डिमांड के लिए हम इतना बड़ा कॉस्ट बेयर कर लें और अपने आपको प्रोडक्शन मेथड को चेंज कर दें, हो सकता है कुछ दिनों के बाद इसकी डिमांड चेंज हो जाए और कस्टमर उतनी ज्यादा डिमांड ना कर रहा हो, तो हमारे सारे के सारे पैसे जो हमने लगाए होते हैं वो शायद हमारे हम उसको रिकवर ना कर। ठीक है जी, देन हमारे पास जो इसके अंदर एक और चीज आती है, दैट आर दी प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब ये चीज ध्यान में रखो कि हमारे पास अगर जॉब से अगर हम लोग बैच की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो इशू आता है, यानी जॉब से अगर मैं बैच की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे क्या इशू आएगा, और अगर मैं बैच से फ्लो की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे क्या इशू आएगा। ठीक है, तो अगर मैं बैच से जॉब से बैच की तरफ जाता हूँ तो डेफिनेटली मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट चाहिए होगी, नंबर टू मुझे ज्यादा कैपिटल चाहिए होगा क्योंकि मुझे ज्यादा स्टॉक खरीदना है, माल ज्यादा खरीदना है। ठीक है, और स्टाफ की डिमोटिवेशन मुझे देखनी पड़ेगी क्योंकि अब मैं लेबर इंटेंसिव से थोड़ा बहुत कैपिटल इंटेंसिव भी हो गया। लेकिन अगर मैं जॉब से फ्लो प्रोडक्शन की तरफ मैं अगर जा रहा हूँ तो मुझे और पैसों की जरूरत होगी, मेरा लेबर और थोड़ा सा ज्यादा डिमोटिवेट होना शुरू हो जाएगा, मुझे उसके ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। सही है, और मुझे डिमांड को स्टिमुलेट करने के लिए, डिमांड को जनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर चुका हूँ। देखो, अब डिमांड गिरनी नहीं चाहिए क्योंकि मैं फ्लो की तरफ चला गया हूँ ना, फ्लो में तो मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी वैसे भी नहीं है, देयरफॉर अब मुझे उतनी कंसिस्टेंट डिमांड बनानी लाजमी है, तो आई हैव टू लाइक इंश्योर कि मुझे एक तरह से एक सर्टन डिमांड मुझे मिलती रहे, और उसकी डिमांड की फोरकास्टिंग करना भी इसमें थोड़ा सा इशू हो जाता है क्योंकि जॉब प्रोडक्शन में इतना मसला होता नहीं। ठीक है जी, देन वी बेसिकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज नोन एज लोकेशन डिसीजन। लोकेशन डिसीजन इज बेसिकली कि आपका बिजनेस जो है वो किस जगह पर ओपन हो और उसने किस तरह से काम करना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखो कि इफ योर डिसीजन इज राइट अबाउट योर लोकेशन, देन यू ओनली यू आर गोइंग टू इंश्योर कि आपका बिजनेस अच्छा चल सकता है। मीनिंग एक ऑप्टिमम लोकेशन जो होती है वो क्या चीज होती है, एक ऐसी लोकेशन डिसीजन जो बिजनेस को ना सिर्फ यूनिट कॉस्ट कम करने में मदद दे बल्कि उससे उसकी ब्रांड इमेज भी बढ़ जाए, दिस इज नोन एज ऑप्टिमम लोकेशन डिसीजन। जब कभी भी हम किसी लोकेशन डिसीजन के लिहाज से बात कर रहे होते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हम देखते हैं, ठीक है, उसमें क्या चीज होनी चाहिए ऑप्टिमम लोकेशन के अंदर, जो सबसे पहली चीज जो हम लोग देखते हैं दैट इज वो हाई फिक्स्ड कॉस्ट के साथ नहीं होती, उसका रेंट कॉस्ट या साइट कॉस्ट जो होती है वो ज्यादा नहीं होती। नंबर टू, उसकी वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो कम होती है। ठीक है, नंबर थ्री, वहां पर जिस एरिया में हम रखते हैं वहां पर हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम नहीं होता। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होने का मतलब यह है कि वहां पर हमारे पास लेबर को चेंज करने के चांसेस रिलेटिवली ज्यादा होते हैं। ठीक है, और सिमिलरली हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा होना चाहिए सो दैट हमारी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मसला ना करे। फिर इसके अंदर ही हमारे पास एक आता है क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। ठीक है, और इसी के अंदर हमारे पास आता है क्वालिटेटिव फैक्टर्स।
ठीक है। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आती है, हमारे पास साइट की कॉस्ट आ जाती है, सही है, फिर हमारे पास जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आ जाती है, सही है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ जाती है, फिर हमारे पास जो है यहाँ पर इसके अंदर जो हम लोग एक और बात करते हैं, यहाँ पर जो लेबर है उस लेबर की कॉस्ट आ जाती है, ठीक है, फिर हमारे पास यानी इन सब की कॉस्ट हमारे पास नजर आ रही होती है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जो है यहाँ पर गवर्नमेंट की ग्रांट्स वगैरह जो होती हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं, सही है, यहाँ पर हम सेल्स रेवेन्यू वगैरह कितना जनरेट कर सकते हैं हम उसकी बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स जो है ये नंबर बेस्ड होते हैं, यानी न्यूमेरिकल्स होते हैं कि ये नंबर्स हमें कितने, यहाँ से हम लोग इसका ब्रेक इवन भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट को एस्टिमेट भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हैं, क्योंकि ये तमाम तक चीजें जो हैं ये हमारे पास क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव फैक्टर्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है। जब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव फैक्टर्स के लिहाज से, तो पहली चीज तो हमें ये देखनी है कि ये चीज कितनी एम्प्लॉयज के लिए सेफ है, वर्किंग कितनी सेफ है, ऑपरेशन कितना सेफ है, कंपनी के लिए कितना सेफ है, ठीक है। फर्दर एक्सपेंशन के लिहाज से आपके पास रूम है या नहीं है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखो कि आपने अगर अभी एक जगह खरीद ली है और उसके अंदर आपके ऑपरेशंस हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर आपको अगर डिमांड बढ़ती है तो उस डिमांड के लिए आपके लिए जगह है या नहीं है। सिमिलरली हमारे पास एक और चीज जो इसमें आती है, दैट इज मैनेजर्स की प्रेफरेंसेस, ठीक है, कि जो आपका मैनेजर मैनेजेरियल लेवल है वो किस चीज को ज्यादा प्रेफर कर रहा है, वो सेल्स को बढ़ाने के लिए ज्यादा फेवर कर रहा है, वो कॉस्ट को कम करने में ज्यादा फेवर कर रहा है, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहा है, वो किस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहा है, उस लिहाज से भी डिसीजन लेने पड़ते हैं। देन दिस इज नोन एज समथिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एथिकल कंसिडरेशंस। एथिकल कंसिडरेशंस होना भी लाजमी है कि समटाइम्स हम लोग कुछ ऐसी एक्टिविटीज करना शुरू कर देते हैं विच बेसिकली इज आर कॉस्ट कटिंग टेक्निक्स बट दे आर अनएथिकल, लाइक हम बिला वजह में सस्ते पे लेबर को रखें, बिला वजह में लो क्वालिटी मटीरियल लें, बिला वजह में ऐसी जगहों पर हम लोग ट्रैफिक कंजेशन कर लें जस्ट टू मेक श्योर कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम पड़ जाए, सो दैट्स गोइंग टू बी लाइक सम अनएथिकल कंसिडरेशंस, तो ये भी देखना पड़ता है। सिमिलरली हमारे पास एक और जो इसके अंदर चीज आती है, दैट इज एनवायरमेंटल कंसर्न्स, कि हम लोग पोल्यूशन कितनी कर रहे हैं, हम वेस्टेजेस कितनी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज भी ज़हन में रखनी है कि क्या वाकई इन चीजों को करने के लिए आप लोग आपके लिए पर कम्युनिटी या सोसाइटी जो है वो आपके लिए कोई प्रेशर ग्रुप बन सकती है या नहीं बन सकती। सिमिलरली आपके पास जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी हमें जहन में रखना पड़ेगा कि आया ये बिजनेस जो है ये तमाम तर चीजों को कवर अप कर पा रही है या नहीं कर पा रही, ठीक है। अब ये चीज जहन में रखो कि हमारे पास जो बिजनेस है वो एक तरह से मल्टी लोकेशन भी जा सकता है, ठीक है। मल्टी लोकेशन का मतलब ये है कि आपका बिजनेस जो है वो एक से ज्यादा जगहों पर मल्टी लोकेशन और मल्टी साइट लोकेशन, ठीक है, मल्टी लोकेशन मल्टी साइट लोकेशन का मतलब ये है कि आपका जो बिजनेस है वो एक से ज्यादा जगहों पर ऑपरेट कर रहा हो। अच्छा, मल्टी लोकेशन का फायदा क्या बनेगा? मल्टी लोकेशन का फायदा सबसे बड़ा ये बनेगा कि कंज्यूमर की जो कन्वीनियंस है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आप मल्टी लोकेशन पे होंगे, आप तारिक रोड पर भी हैं, बहादराबाद पर भी हैं, पीसीएचएस पे भी हैं, सिंध मुस्लिम पे, डिफेंस पे भी हैं, तो कस्टमर नियर बाय दुकान से आपके प्रोडक्ट खरीद सकता है। जहां पर आपको प्रोडक्शन चाहिए होगी तो आपका जो सप्लायर है वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम कर देगा, मल्टी लोकेशन पर आप होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगी, प्रोडक्शन बेस्ड कंपनीज जो है उनको सप्लाई का रिस्क कम हो जाएगा, एक आया डिले आता है या नहीं आता सप्लाईज के अंदर, क्योंकि नियर बाय है तो नियर बाय से हम सप्लाई लेकर हम अपना काम करना शुरू कर देंगे। सिमिलरली हमारे पास एक और चीज जो है ये कि हम लोग मल्टी लोकेशन के अंदर ये देख सकते हैं कि विच लोकेशन इज प्रोड्यूसिंग मोर रेवेन्यू और विच लोकेशन इज प्रोड्यूसिंग लेस रेवेन्यू, तो वी कैन इवैल्यूएट देयर परफॉर्मेंस और उस लिहाज से हम उसमें फर्दर एक्सपेंशन करना या उसके अंदर हमें एडजस्टेड मेजर्स देने के लिए हमें मदद मिलती है। उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि जब मल्टी लोकेशन होती है तो उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन परफेक्ट होनी लाजमी है, ठीक है, और अगर परफेक्ट लोकेशन अगर आपके दरमियान कोऑर्डिनेशन ना हो तो देयर कुड बी अ चांस कि आप मोर देन रिक्वायर्ड या लेस देन रिक्वायर्ड स्टॉक को खरीदना शुरू कर दें, कस्टमर के लिए मसला हो जाए, एक जगह पर स्टॉक कम हो जाए, दूसरी कस्टमर के लिए स्टॉक ज्यादा हो, तो वो ओवरबर्डनिंग का एक इशू बनना शुरू हो जाता है। सिमिलरली एट टाइम्स जब एक मल्टी लोकेशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट लोकेशन पर काम हो रहे होते हैं तो उसके अंदर हु इज लीडिंग एंड हु इज लैगिंग, सही है, हु इज डूइंग गुड और हु इज डूइंग बैड, इसका टोटल डायरेक्शन जो है
वो बिजनेस की इंटरनल एक्टिविटीज के थ्रू नहीं होता, एक्सटर्नल एक्टिविटीज के थ्रू भी हो सकता है। हो सकता है कि जहां पर हमारी दूसरी लोकेशन है वहां पर शायद रोडें वगैरह टूटी हुई हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, तो वहां पर रिलेटिवली ज्यादा टाइम लग रहा है, या वहां पर लाइट जा रही है ज्यादा, या वहां पर कुछ कंजेशन ज्यादा है, या कुछ भी और एक्स वाई जेड रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से शायद वो अपने अंदर तो अच्छा काम कर रही है लोकेशन, लेकिन उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो उसकी प्रोडक्शन ऑपरेशन को वो क्वेश्चन मार्क पे लेकर जा रहे हैं। ठीक है, और ये भी चीज ध्यान में रखो कि एट टाइम्स बिजनेसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा अपने कॉम्पिटिटर्स से जो है वो काफी ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब हम कॉम्पिटिटर से अफेक्ट होने की बात कर रहे होते हैं ना, तो उससे मसला ये आता है कि एट टाइम्स हमारी कोई एक और लोकेशन है वहां पर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं, दूसरी लोकेशन पे ज्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं है, तो वो चीज कैनिबलाइज हो नहीं पाती। ठीक है, तो कैनिबलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट होता है। देन हम लोग अगर बात करें ठीक है, जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लोकेशन, यानी कि अगर हम लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव कर रहे होते हैं, तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। नंबर वन, वहां की लैंग्वेज और कम्युनिकेशन बैरियर्स, कि जिस कंट्री में जा रहे हैं वहां पर लैंग्वेज क्या है और किस तरह से कम्युनिकेट होता है। नंबर टू, वहां के कल्चरल डिफरेंसेस क्या है, क्योंकि जहां पर आप बेच रहे थे वहां पर और जहां पर आप नई जगह पर बेच रहे हो वहां पर कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं। ये कंट्री टू कंट्री मूव भी हो सकती है, ये आपकी सिटी टू सिटी मूव भी हो सकती है, ये विद इन सिटी भी मूव हो सकती है। ठीक है, तो इसमें कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमें लेवल ऑफ सर्विस के बारे में बात करनी होगी, कितना ज्यादा आप सर्विस को ओरिएंट करना है, कितना ज्यादा कस्टमर केयर की तरफ जाएंगे। हो सकता है किसी एक जगह पर कस्टमर केयर ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन जैसे आप किसी दूसरी जगह जाते हैं तो वहां पर एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर्स बढ़ जाती है कि हमें बेहतर तरीके से सर्विस दी जाए। सप्लाई चेन के कंसर्न्स भी होते हैं। सप्लाई चेन का मतलब ये कि हमें कहां किस तरह से सप्लाई मिलेगी, कौन कौन हमें आके सप्लाई देगा इनपुट के, रॉ मटेरियल के लिए, स्टॉक के लिए, हमें किन किन से बात करनी होगी। तो डेफिनेटली जब आपका बिजनेस जो है किसी दूसरी जगह पर, दूसरी कंट्री में जाता है, किसी दूसरे सिटी में जाता है, तो वहां पर भी सप्लायर्स की अपनी बार्गेनिंग होती है, तो उसको भी अपने ध्यान में रखना पड़ता है। सेम गोज के जिस कंट्री के अंदर आप बैठे हुए हैं, जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं और उस जगह से आप दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो वहां पर एथिकल कंसिडरेशंस किस तरह से चेंज हो रही है, किस किस बातों को आपने ध्यान में रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ का कोई स्कूल लेते हैं, कोई कॉलेज वगैरह लेते हैं, तो वो पार्किंग को या वो एरिया ऑफ रेजिडेंशियल एरिया को इतना ज्यादा क्वेश्चन में नहीं लेकर आते, लेकिन अगर वही स्कूल अपने कोई इंटरनेशनल ब्रांच ओपन करना शुरू करे, दे विल फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन इंश्योरिंग कि दे हैव अ राइट प्लेस वेयर दे आर ऑपरेटिंग देयर स्कूल। ठीक है जी, सो ये आपके पास थोड़े से प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, दिस इज नोन एज स्केल ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, स्केल ऑफ ऑपरेशंस का मतलब यह है कि आपका जो बिजनेस है जब वो बढ़ रहा है तो उसके ऑपरेशंस भी बढ़ रहे हैं। स्केल का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, और किस किस चीजों पे ये डिपेंड कर रहा होता है, इन्फ्लुएंस किस किस चीजों पे होता है। नंबर वन, ओनर्स के ऑब्जेक्टिव्स पे होता है कि आया बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बिजनेस को स्मॉल और कंट्रोल रखना चाहते हैं या उनको वाइड स्प्रेड करना चाहते हैं। सिमिलरली उनके पास पैसे हैं, कैपिटल अवेलेबल है या नहीं है। नंबर टू, जिस मार्केट में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या वहां पर स्केल ऑफ ऑपरेशन करने की जरूरत है भी या नहीं है, कि हो सकता है एक सर्टन स्मॉल स्केल ऑपरेशन ही वहां पर काफी ज्यादा मार्केट कैप्चर कर रहा हो, तो नॉट नेसेसरीली हमें उसको एक्सटेंड करने की जरूरत। नंबर थ्री, नंबर फोर, कितने नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स का मतलब यह है कि आपके पास ये देखना कि कितने आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर आपके कॉम्पिटिटर्स रिलेटिवली कम है तो इज देयर अ चांस के आप ग्रो कर सके। अगर आप कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा है, इज देयर अ चांस कि कोई आपको खरीद सके। ठीक है, तो इन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। और नेक्स्ट चीज जो है वो ये है कि किस हद तक आप स्केल ऑफ ऑपरेशंस अचीव कर सकते हैं। स्केल ऑफ ऑपरेशन अचीव करने का मतलब यह है कि आपके पास इसमें जो चीज बनती है, दिस इज नोन एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, तमामतर ऐसी चीजें जो कंपनी के अंदर एग्जिस्ट करेंगी ना, उनको जिससे हम यूनिट कॉस्ट कम कर सकते हैं, व्हेन आर स्केल ऑफ ऑपरेशन इज इंक्रीजिंग, आर नोन एज इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और तमामतर ऐसे फैक्टर्स देयर आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस एंड हेल्पिंग द बिजनेस टू रिड्यूस इट्स यूनिट कॉस्ट व्हाइल स्केल ऑफ ऑपरेशन इज इंक्रीजिंग, दिस इज नोन एज एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो एक्सटर्नल के ऊपर तो हम लोग इतने ज्यादा नहीं बात करते, क्योंकि एक्सटर्नल तो सबके लिए होता है, जो whosoever is getting more benefit या reaping out more of that opportunity is like more beneficial। लेकिन अगर कोई बिजनेस विद इन कंपनी ही अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा, तो उसके इंटरनल इकोनॉमीज का मसला है। इसमें हमारे पास जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमारे पास एग्जिस्ट करती है, वो हमारे पास एग्जिस्ट करती है बल्क परचेसिंग। बल्क परचेसिंग क्वांटिटी में खरीदो,
क्वांटिटी में खरीदोगे डिस्काउंट मिल जाएगा, फायदा हो जाएगा। दूसरा टेक्निकल इकोनॉमीज, टेक्निकल इकोनॉमीज का मतलब ये कि किसी मशीन, किसी इक्विपमेंट, किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू काम करना शुरू कर दो तो काम तेज भी हो जाएगा, एरर फ्री भी हो जाएगा, वेस्टेज भी रिड्यूस हो जाएंगे और मिस्टेक्स भी कम हो जाएंगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, रीवर्क करना कम हो जाएगा। फाइनेंशियल इकोनॉमीज का मतलब ये है कि आप सस्ते रेंट के ऊपर या सस्ते इंटरेस्ट के ऊपर आप लोन लेने में कामयाब हो जाए, ठीक है। देन मार्केटिंग इकोनॉमीज के आपकी कम से कम इनपुट ऑफ मार्केटिंग प्रमोशन के अंदर करें और आपको मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेशन हो, यानी कि लेस प्रमोशन की जाए, लेस प्रोमोटिंग एक्टिविटीज की जाए और ज्यादा आपको सेल्स रेवेन्यू मिलना शुरू हो जाए। इसका मतलब ये कि आप मार्केटिंग इकोनॉमीज की तरफ आप मूव कर रहे हैं। देन मैनेजेरियल, मैनेजेरियल दो तरह से हो सकती है, या तो आप मल्टी स्किल्ड बंदा रख लो तो पैसे बच जाते हैं लेबर के, क्योंकि दो बंदे का काम एक बंदा कर रहा होता है तो पैसे थोड़े से बच जाते हैं, लेकिन ये शॉर्ट रन होता है और इसके अंदर शायद प्रोडक्टिविटी थोड़ी देर में गिरने वाली होती है, ठीक है। या दूसरा जो ऑप्शन होता है मल्टी स्किल के लिहाज से, वो मैनेजरियल के लिहाज से, दैट इज अ स्किल्ड बंदा। स्किल्ड बंदा जब आप हायर करेंगे तो एरर्स कम होंगे, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, आइडियाज नए होंगे, लेकिन ये बेसिकली थोड़ा सा महंगा होगा, ठीक है। तो अगर कहा जाए कि शॉर्ट रन के अंदर अगर आपको मैनेजरियल इकोनॉमीज हासिल करनी है तो आप शायद सिर्फ और सिर्फ मल्टी स्किल की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर आपने लॉन्ग रन में जाना है मैनेजरियल इकोनॉमीज के साथ, देन यू हैव टू इंश्योर अ स्किल्ड वर्कर, ठीक है। देन वी हैव सम डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। डिस इकोनॉमी स्केल का मतलब ये तमाम ऐसे फैक्टर्स जो किसी बिजनेस की एवरेज कॉस्ट को बढ़ाएं जब उसका इंक्रीज स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज हो, ठीक है। सबसे पहली चीज है जब बिजनेस बढ़ता है तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आते हैं। पहले आपके पास 4-5 लोग थे, कम्युनिकेट करना आसान था, अब आपके पास 500-600 लोग हैं तो अब कम्युनिकेट करने में मसला होगा, कंफ्यूजन आएगी। देन क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे, देयरफॉर इट्स अनलाइकली कि आप बीइंग एन ओनर या बीइंग अ मैनेजर यू नो एवरी सिंगल पर्सन बाय नेम एंड बाय देयर परफॉर्मेंस। सो दोज पीपल हु आर लाइक अनआइडेंटिफाइड, सही है, हु आर नॉट नोन इन द कंपनी, दे बेसिकली फील एलियनेटेड, दे फील लाइक लेफ्ट ओवर्स, कि हमारी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, हम तो कंपनी के अंदर कुछ करते ही नहीं है, करते भी तो किसी को नजर कुछ नहीं आता। दैट्स द रीजन व्हाई दे बेसिकली फील डिजेक्टेड और एलियनेटेड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का भी मसला आ जाता है, क्योंकि अब जब बिजनेस बड़ा हो रहा है तो हर बिजनेस के हर डिपार्टमेंट को अपने अपने काम देखने हैं, वो अपने काम ज्यादा जरूरी देखेगा, दूसरे से कोऑर्डिनेट शायद उतना ना कर पाए, टाइम लग सकता है, एंड विच बेसिकली क्रिएट्स लाइक स्लो डिसीजन मेकिंग। जब बड़ा बिजनेस होता है डेफिनेटली उसके डिसीजन मेकिंग के अंदर भी मसले होते हैं, सही है ना, और क्योंकि उसको बड़े स्केल के ऊपर डिसीजन लेना होता है तो ऑल स्टेक होल्डर्स शुड बी ऑन बोर्ड बिफोर टेकिंग द डिसीजन, तो स्लो मिस डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है। इसमें हमारे पास तीसरी चीज जो आती है कि ठीक है, डिस इकोनॉमीज अवॉइडेबल है, जी हाँ है, क्योंकि हम लोगों के पास कुछ तरीके ऐसे हैं जिससे हम लोग इकोनॉमी स्केल का इम्पैक्ट, डिस इकोनॉमीज स्केल का इम्पैक्ट जो है वो कम कर सकते हैं। नंबर वन, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेट करके उससे लिहाज सेट किया जाए कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी हैं, फोकस ऑन दैट, तो खुद ब खुद डिसीजन मेकिंग तेज हो जाएगी। दूसरी चीज, डिसेंट्रलाइज कर दो, हर चीज का डिसीजन सेंटर से नहीं लेना चाहिए, हर चीज का डिसीजन वो मेन ब्रांच से नहीं आना चाहिए, आपकी अपनी ब्रांच है, आप अपना डिसीजन खुद से ले लो, कुछ डिसीजन में आपको आना पड़ेगा हमारे पास, नॉट फॉर एवरी डिसीजन, तो डेफिनेटली आपका काम तेज होना शुरू हो जाएगा एंड पीपल स्टार्ट फीलिंग कि यार दे हैव सम काइंड ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एंड एम्पावरमेंट, तो वो जो एलियनेटेड वाला इशू है वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा, और इवन वो इससे हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन का इशू है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अपने आप को डाइवर्सिफिकेशन को आप रिड्यूस करें, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड, बहुत डिफरेंट मार्केट्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो डेफिनेटली यू हैव टू डिसाइड कि विच मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड विच मे slow down the decision making process and might lead to miscommunication, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जिसके थ्रू हम बात कर सकते हैं। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर आपके पास एक इसी अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो ERP का एक कॉन्सेप्ट आता है और उसके आगे A levels लिखा हुआ है, तो this is not AS part, it is A2 part. तो remaining of chapter number 23 is your A2 का part, ठीक है जी। Then we move on to chapter number 24. So, yeah, this is known as inventory management. सही है जी। और ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट आया क्यों? बल्क परचेजिंग का जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है ना, उसने असल में बहुत बड़े रीजंस जो थे वो ओपन करने शुरू, क्योंकि अगर वो जो रीजंस हैं
वो असल में कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से शायद कंपनीज जो हैं वो बल्क परचेज की तरफ जाने से डरती हैं। क्यों डरती हैं? क्योंकि जब हम बात करते हैं बल्क में रखने की, तो बल्क के अंदर हम लोग जब किसी स्टॉक को रखते हैं तो उसकी पेरिशेबिलिटी का इशू आ जाता है कि वो जल्दी खराब ना हो जाए, उसको मेंटेन करना पड़ता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट। उसको जहां स्टोर करते हैं उसकी कॉस्ट, उसकी थेफ्ट हो सकता है, उसकी कॉस्ट, ठीक है। और वो पैसा जो हमने स्टॉक को खरीदने में लगाया है, इन्वेंट्री को खरीदने में लगाया, वो पैसा कहीं और भी लग सकता था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। फिर हमारे पास एक और जो उसपे इशू आ जाता है वो ये है कि उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा वेरी भी कर सकती है, और इसकी वजह से जो हमने डिस्काउंट हासिल किया होता है इन बल्क परचेजिंग, ये तमाम तर कॉस्ट जब एड बैक की जाती है तो वो डिस्काउंट गायब हो जाता है, और रादर कंपनी पेइंग मोर देन पर यूनिट एज दे वर कंसिडरिंग। तो इसकी वजह से हमारे पास जो स्टॉक की मैनेजमेंट है इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी वजह से हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात की। अच्छा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास जो पहली चीज जो हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास किन फॉर्म्स के अंदर हमारे पास इन्वेंट्री रखी जा सकती है। फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास पहला फॉर्म जो है वो दैट इज नोन एज रॉ मटेरियल, दूसरा जो है दिस इज नोन एज वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। और तीसरी चीज जो है दिस इज नोन एज फिनिश्ड गुड्स। कंपनीज तीनों के अंदर अपना स्टॉक रख सकती है डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट, को किस तरह से काम करती है। कंपनीज एट टाइम्स स्टॉक के अंदर एज अ रॉ मटेरियल रखती हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर के अंदर हो सकता है स्टॉक की प्राइसेस बढ़ने वाली हो, तो अभी बाय कर लेते हैं ज्यादा स्टॉक को, ठीक है। समटाइम्स कंपनीज ये प्ले करती हैं कि यार हम लोग अगर स्टॉक को अगर हम ज्यादा कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं, तो हमारे पास वॉल्यूम के लिहाज से फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, हम कम वॉल्यूम का काम भी कर सकते हैं, ज्यादा वॉल्यूम वाला काम भी कर सकते हैं, तो इसी वजह से वो शायद स्टॉक में रॉ मटेरियल में ज्यादा प्रोडक्ट रखते हैं। समटाइम्स कंपनीज डू बिलीव कि यार चलो अगर हम खुद नहीं भी बनाएंगे तो वी माइट बिकम द सप्लायर एज वेल, व्हेन इट्स गोइंग टू बी लाइक सिचुएशन अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो हम सप्लायर बन के स्टॉक को हम आगे बेच भी सकते हैं। तो दिस इज द रीजन कंपनीज रॉ मटेरियल के अंदर प्रोडक्ट्स को रखती है। वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर कंपनीज कब रखती है, जब उनको पता होता है कि जो कॉम्पिटिशन है इट्स बेस्ड ऑन लीड टाइम, यानी कि अगर आप जितने भी फास्ट फूड शॉप्स में जाओ वो सारा का सारा जितना भी खाना है वो सारा का सारा आपका वर्क इन प्रोग्रेस में लग दिया जाता है। लेकिन इसमें मसला सबसे बड़ा ये कि दे आर रिलेटिवली लेस फ्लेक्सिबल टू कन्वर्ट देयर वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट इनटू सम अदर प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर किसी एक मुर्गी के ऊपर बारबेक्यू का मसाला लगा हुआ है तो उसके मसाले को और वो मैरिनेट हो चुकी है, तो अब इट्स लेस लाइकली कि उसका मसाला उतारा जाए, दूसरा मसाला लगाया जाए और उसको दोबारा से बेक या बारबेक्यू किया जाए, तो वो रिलेटिवली वो वर्क इन प्रोग्रेस में चीज पड़ी हुई होती है, ठीक है। समटाइम्स कंपनीज डू बिलीव कि हम लोग फिनिश गुड्स के अंदर चीजों को रखें, और फिनिश गुड्स का मतलब ये कि जब हमारे पास डिमांड डेफिनेट होती है तब हम लोग फिनिश गुड्स पे रखते हैं, और जब हम लोगों को ये पता होता है कि हमारा जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसकी पक्की डिमांड एग्जिस्ट कर रही है, बिक जाएगा, इसलिए कंपनीज जो है वो फिनिश गुड्स के अंदर रखती है। रिटेलर्स जितने भी हमारे पास है सबके सब फिनिश गुड्स रखते हैं, फूड शॉप्स जितनी भी हैं वो सारी के सारी वर्क इन प्रोग्रेस रखती हैं, ठीक है। और जितने फार्मर्स हैं वो एज अ रॉ मटेरियल रख रहे होते हैं अपने लिहाज से, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज ध्यान में रखो कि जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टॉक के लिहाज से, तो अगर हमारे पास सही तरीके से स्टॉक को होल्ड ना किया जाए, ठीक है, उस वक्त क्या इशू आते हैं। ठीक है, अगर आपका स्टॉक जो है वो ज्यादा आपने नहीं रखा हुआ, इनफ क्वांटिटी में नहीं रखा हुआ, तो इससे सबसे पहला जो इशू आपके पास आता है वो आपके साथ है लॉस्ट सेल्स, ठीक है। अगर आपके पास इतने यूनिट्स थे ही नहीं जितने आप बेच सकते थे, आपने उसे कब रखे हैं, जस्ट बिकॉज के आपके पास डिमांड वॉज नॉट डेफिनेट, आपको आपने एंटिसिपेट सही तरह से नहीं किया हुआ था, सो यू आर गोइंग टू लूज सीरियस नंबर ऑफ सेल्स, और विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट डायरेक्ट हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर रेवेन्यूज, ठीक है। नंबर टू जो है दैट इज नोन एज जब आपके पास इनफ रिसोर्सेज इनफ स्टॉक नहीं होगा, तो जब आपका स्टॉक खत्म हो जाएगा तो आपको उसको रीऑर्डर करना पड़ेगा, और जब रीऑर्डर करेंगे तो आपका आइडल प्रोडक्शन प्रोसेसेस रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, यानी आप रिसोर्सेज वेट कर रहे होंगे, और जब वेट कर रहे होंगे तो उनका मीटर तो वैसे चल रहा होगा, सो दे आर होल्डिंग मोर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एज दे वर नॉट यूज्ड, तो बगैर किसी यूज के आप कॉस्ट जब बेयर करते हैं तो ये एक इशू बन जाता है बिजनेस के लिए, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से आपके पास कोई जो स्पेशल स्पेशल ऑर्डर्स कैन बी एक्सपेंसिव, कोई आपके पास बीच में कोई स्पेशल ऑर्डर आ गया
तो उसके लिए डेफिनेटली आपको जो है दोबारा से स्टॉक खरीदना पड़ेगा, माल खरीदना पड़ेगा, और इवेंचुअली इट्स गोइंग टू बी ऑन पर यूनिट बेस, इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑन बल्क बेस्ड, ठीक है? तो पहले से स्टॉक होता तो स्पेशल ऑर्डर होता, बना के दे देते, ठीक है? और आपके पास जो तीसरी चीज जो है वो, सॉरी मैं बी की जगह मुझे सी लिखना चाहिए, ठीक है? ठीक है जी, स्मॉलर क्वांटिटी का मतलब ये कि जब आप बहुत ज्यादा लो ऑर्डर के लो स्टॉक लेवल आप रख रहे होते हैं, तो आपके पास ज्यादा स्टॉक आपने एज रॉ मटेरियल या एज अ सप्लाई आप कम ही स्टॉक मंगवाते हैं। जब कम स्टॉक मंगवाते हैं तो डेफिनेटली आपके पास जो भी डिस्काउंट्स होते हैं वो आपको मिलते नहीं है, प्लस आपको रिपीटेड काम करना पड़ता है। जब रिपीटेड काम करते हैं तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी लाइक मोर डिफिकल्ट टू मेंटेन द डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है जी? देन हमारे पास एक जो कॉन्सेप्ट आता है, दिस इज नोन एज ऑप्टिमम ऑर्डर साइज, ठीक है? ऑप्टिमम ऑर्डर साइज का बेसिक मतलब ये है कि आपके पास कितना स्टॉक ऐसा रखना है। देखिए, दो चीजें हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। नंबर वन चीज जो है दैट इज कि हमारे पास कितना ज्यादा स्टॉक हम रखेंगे, जितना ज्यादा स्टॉक रखेंगे हमारी एवरेज कॉस्ट कम होगी लेकिन स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है? तो इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा ग्राफ बन जाता है, और उस ग्राफ को मैं यहाँ पर बताता हूँ कि ये जो हमारे पास ग्राफ है, सही है? उस ग्राफ के अंदर हमारे पास ये, अगर मैं एक मेरे पास ठीक है, ये ग्राफ मेरे पास है, तो अगर मेरे पास यहाँ पर अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जो स्टॉक है वो ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आएगी क्वांटिटी, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास आएगी कॉस्ट, ठीक है? अब जैसे जैसे मैं ज्यादा क्वांटिटी बेयर करता हूँ, ज्यादा क्वांटिटी होल्ड करता हूँ, तो मेरी जो एवरेज कॉस्ट होगी ना, वो एवरेज कॉस्ट मेरी बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाएगी, और ये मेरी एवरेज कॉस्ट जो होगी कुछ इस तरह की एग्जिस्ट कर रही है। दिस इज माई एवरेज कॉस्ट, इट इज गोइंग टू डिक्रीज एज आई ऑप्ट फॉर मोर यूनिट्स। तो मेरी जो एवरेज कॉस्ट होगी, सही है, वो मेरी इस तरह से जा रही है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं जितना ज्यादा स्टॉक रखूंगा उतना ही ज्यादा मुझे जो है वो बेयर करनी पड़ेगी स्टोरेज कॉस्ट। तो देयर कुड बी अ चांस कि मेरे पास पहले कोई स्टोरेज कॉस्ट नहीं थी लेकिन अब मेरे पास स्टोरेज कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई है, ठीक है? तो ये जो स्टोरेज कॉस्ट मेरे पास आई है, दिस बेसिकली इज द रीजन शायद मैं इतना ज्यादा स्टोर ना कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इस जगह पे मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि ये अगर मैं इसको इधर से ऊपर रीड आउट करता हूँ स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी द पॉइंट ऑफ माय स्टोरेज कॉस्ट, सही है, एंड दिस इज गोइंग टू बी माय एवरेज कॉस्ट। तो बाय द एंड ऑफ द गेम मैंने एवरेज कॉस्ट से कम तो किया है लेकिन मुझे स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा देनी पड़ रही है। सिमिलरली अगर मैं इस तरह की काम मैं यहां पर एग्जिस्ट करता हूँ, सही, यहां पर मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और यहां से मैं अगर इसको रीड आउट करने की कोशिश करता हूँ इस जगह पर, ठीक है, तो मेरे पास जो सिचुएशन है, ठीक है, तो अगर मैं यहां पर इसको रीड आउट करने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास ये जो पॉइंट है दिस इज माय स्टोरेज कॉस्ट जो कि बहुत कम है, लेकिन अगेंस्ट दैट मुझे एवरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा बेयर करनी पड़ रही है, ठीक है ना? ग्रीन लाइन इज एवरेज कॉस्ट एंड रेड लाइन इज स्टोरेज कॉस्ट। देयरफॉर देयर हैज टू बी अ रीजन, देयर हैज टू बी सम वे जहां पर मैं काम कर रहा हूं, और वो जो काम मैं कर रहा हूंगा वो ओरिजिनली मेरे पास आएगा इन टर्म्स ऑफ ये पूरा का पूरा एरिया, ठीक है? अभिषेक बन जाए, ठीक है, बिल्कुल बन गया, ठीक है। और इसके लिहाज से ये जो पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, ये जो पॉइंट मेरे पास आया है, दिस पॉइंट इज बेसिकली माय ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी। यहां पर मैं ओरिजिनली उतनी ज्यादा एवरेज कॉस्ट भी बेयर नहीं कर रहा और ना ही मैं उतनी ज्यादा स्टोरेज कॉस्ट को बेयर कर रहा हूं। तो ये एक ऐसा पॉइंट मेरे पास बन जाएगा जहां पर मेरे पास स्टोरेज कॉस्ट जो है वो भी कम हो रही है और मेरे पास जो एवरेज कॉस्ट है वो डेफिनेटली वो बढ़ रही है लेकिन वो उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही जितनी हमारे पास यहाँ पर बढ़ रही थी, एट पॉइंट एक्स बढ़ रही थी, और यहाँ पर हम एट पॉइंट वाई एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये जो है ये पॉइंट जी है, और ये जो चीज है दिस इज नोन एज आर पॉइंट सी, ठीक है? तो ये चीज है मेरे को कि बहुत ज्यादा स्टॉक रखना इज नॉट गुड, बहुत कम स्टॉक रखना इट्स नॉट इवन गुड, ऑप्टिमम ऑर्डर साइज पे रखना इट्स गुड। और इसके लिए हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, दिस इज नोन एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका मतलब यह है कि ऑप्टिमम और लीस्ट कॉस्ट क्वांटिटी ऑफ स्टॉक उसको रखना ताकि आपकी डिलीवरी जो है
वो इम्पेक्ट ना करे, डिलीवरी का कोई इशू उस पर ना आए, सही है, डिलीवरी का उस पर कोई स्टॉक खोलने पे कॉस्ट का इशू ना आना शुरू। अब इससे फायदा क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के जो मेजर फायदे हैं वो ये हैं कि एक तो आपके पास इतना ज्यादा स्टॉक होता नहीं है, और आपके पास जगह ज्यादा होती है अगर, तो आपके पास मल्टीपल स्टॉक रखने की जरूरत हो आपको फायदा मिल जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपके पास जो वैरायटी बढ़ती है, तो उस वैरायटी बढ़ने की वजह से जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है वो ये है कि आप बहुत सारे डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्डर्स को मेंटेन कर सकते हैं, और वैरायटी देखिए आप कस्टमर्स को मेंटेन कवर अप कर सकते हैं। अगर आपके पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के काम है, तो आपको पता है कि डिमांड किस तरह से चेंज हो रही है, तो आपके पास ईजी होता है कि आप डिमांड के लिहाज से अपने स्टॉक को चेंज भी कर सकते हो। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक और फायदा कंपनी के लिए ये होता है कि स्मॉल बिजनेसेस बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाते स्टॉक को खरीदने के अंदर, कुछ पैसा लगाते हैं जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होती, इसलिए उनको बहुत ज्यादा परेशानी भी नहीं होती, उनको बहुत ज्यादा लॉस नजर भी नहीं आ रहा होता, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक तरह का एक एक ऐसा पॉइंट जरूर होता है जिसमें अगर आपका लार्ज ऑर्डर्स का एकदम से स्पेशल ऑर्डर आ जाए, यू मे नॉट बी एबल टू कवर इट, क्योंकि आपके इतनी ज्यादा क्वांटिटी में होता तो नहीं, होता है लेकिन इतनी ज्यादा क्वांटिटी में होता नहीं है जिसमें आप बड़े ऑर्डर्स को मेंटेन कर सके। थर्ड सेकंड जो इसका डिसएडवांटेज है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, वो ये है कि जिस वक्त कंपनीज मल्टीपल स्टॉक के लेयर्स रख रही होती है, तो स्टिल वो भी कोई इनफाइनाइट नंबर की वेरिएशंस लेकर नहीं आ सकती, उनके पास जो कुछ फाइनाइट नंबर के वेरिएशंस होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइक चेंजेस जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि हो सकता है जितना आपने वैरायटी रखा हुआ उस वैरायटी से कहीं ज्यादा की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट कर रही हो, तो फिर भी कंपनी को थोड़ा सा लॉस ही नजर आ रहा होता है। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये कि क्योंकि आप एक क्वांटिटी को भर के नहीं रख रहे होते, तो आप उतनी सिग्निफिकेंट लेवल की बल्क परचेजिंग के डिस्काउंट हासिल नहीं कर पा रहे होते। सो दीज आर द रीजंस वेयर स्टॉक जो है वो अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिहाज से रखा जाता है, तो उससे कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं, वो हमारे पास जो टर्मिनोलॉजीज हैं दीज आर बफर इन्वेंट्री, ठीक है। बफर इन्वेंट्रीज वो इन्वेंट्रीज होती हैं जो आमतौर पे जब हम ऑर्डर कर रहे होते हैं, रीऑर्डर कर रहे होते हैं, तो जो बची हुई स्टॉक जो होते हैं जो ड्यूरिंग द लीड टाइम हम बेचते हैं, ठीक है, उनको हम बफर स्टॉक कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 100 यूनिट्स हैं और मैंने 100 यूनिट्स बेचे शुरू किए, बेचते बेचते वो 30 पे पहुंच गए, तो मैंने 30 के ऊपर रीऑर्डर किया है, ठीक है। जब मैं रीऑर्डर करूंगा तो 70 यूनिट्स का करूंगा फॉर अ टाइम, ठीक है। अब जो 70 यूनिट्स हैं वो दोबारा आ जाएंगे, लेकिन वो फौरन तो नहीं आएंगे ना, अब वो हो सकता है एक दिन या दो दिन के अंदर आए, तो जो एक दो दिन के अंदर जो मैंने 30 में से यूनिट्स बेचे वो तो चलेगा, जो रह गए वो बफर स्टॉक है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास दूसरी जो टर्मिनोलॉजी इसके अंदर आती है, दैट इज मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, सही है, दैट इज अ मैक्सिमम कैपेसिटी कंपनी हैव के, इसमें आप कितना ये नंबर ऑफ यूनिट्स रख सकते हैं। मेरी इक्वेशन के लिहाज से जो मैंने अभी एग्जांपल आपको बताई थी, इसके अंदर 100 यूनिट्स जो है वो ये हमारी मैक्सिमम ऑर्डर थी। जो जिस ठीक है रीऑर्डर क्वांटिटी, ये रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये कि हम इतना क्वांटिटी को ऑर्डर करते हैं जो जिससे हम लोग दोबारा जिस जगह पे भी हम हो, ठीक है, स्टॉक के जिस लेवल पे भी हम एग्जिस्ट कर रहे हो, कम पे हो, ज्यादा पे हो, जीरो पे हो, जहां पे हो, उससे हम दोबारा कहाँ पहुंच जाएं, मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएं, इतनी ऑर्डर क्वांटिटी करनी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्लास है, आप ग्लास के अंदर पानी पी रहे हैं, आपका ग्लास खाली हो जाता है और आप फिर कहते हैं इसको रीफिल कर दो, तो जो आपने भरा है दोबारा ग्लास, जितना क्वांटिटी भरी जाएगी वो आपकी रीऑर्डर क्वांटिटी होगी। कुछ लोग शायद थोड़ा सा पानी रह जाता है उसमें दोबारा रीफिल करवा देते हैं, कुछ लोग आखिरी कतरे तक लेने के बाद फिर रीऑर्डर करते हैं, डिपेंड करता है, लेकिन आपका ग्लास जितना भर जाएगा उससे ज्यादा ग्लास में पानी आ नहीं सकता, isn't it? So, वो हर एक की रीऑर्डर क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है। सिमिलरली रीऑर्डर लेवल का मतलब ये कि वो लेवल है स्टॉक का, वो लेवल है जहां पर आप रीक्वांटिटी करते हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी करते हैं, सही है। मीनिंग अगर आपके पास 100 यूनिट्स हैं और आने का हम बेचते रहते हैं और हमने 30 यूनिट्स के ऊपर ये कर दिया, जैसे अलार्म सेट कर देते हैं हम कि भाई हमने 30 यूनिट्स के ऊपर एकदम से अलार्म बजना शुरू हो जाए, सो दैट हम रीऑर्डर क्वांटिटी कर सके, ठीक है। तो जिस लेवल पे हमें अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि इससे नीचे जाओगे तो यार यू माइट फेस सम लॉस ऑफ सेल्स, तो बिफोर इट हैपेंस रीऑर्डर इट, रीफिल कर लो, रीफिल करके आपके पास काम कर लो। मोबाइल फोन्स के अंदर भी इसी तरह से होता है, या जितने भी चार्जिंग डिवाइसेस होते हैं वो भी अपने लिहाज से इंडिकेटर शो कर देती है कि वी हैव लो बैटरी, तो काइंडली रीचार्ज। तो रीचार्ज हम कब तक करते हैं, जब तक वो मैक्सिमम क्वांटिटी तक नहीं पहुंच जाता।
ठीक है, और देन हमारे पास एक चीज होती है नोन एज लीड टाइम, ये दिस इज द टाइम बिटवीन ऑर्डर मेड एंड ऑर्डर रिसीव्ड, सही है। तो इस चीज को ध्यान में रखो कि जब कभी भी हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ इन ये तमाम तर चीजें जितनी भी हैं, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ठीक है। बफर स्टॉक होता है आपके पास, रीऑर्डर लेवल होता है, ये सब की सब चीजें जितनी भी हैं ये ऑप्टिमम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। देन द मोस्ट एंटिसिपेटेड, और कहा जाता है इस चीज को कि ये टॉपिक जो है कुछ बच्चों को थोड़ा सा लिमिटेड आता है, दैट इज नोन एज जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब ये है कि आपके पास आप स्टॉक होल्डिंग को अवॉइड करते हैं, ठीक है, और आप इस चीज पे डिपेंड करते हैं कि when it is needed, then it is there, ठीक है। इसका मतलब ये है कि your dependence over supplier is tremendous. तो आपके पास कब ये चीज जो है, कब आपका बिजनेस जो है वो जस्ट इन टाइम पे आ सकता है, सबसे पहली चीज आपका जो रिलेशनशिप विद सप्लायर है वो एक्सेलेंट होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। सप्लायर के साथ आपका रिलेशनशिप बेहतर नहीं होगा, सप्लायर आपकी बात नहीं मानेगा, आपको प्रोडक्ट टाइम पे नहीं भेजेगा और डिले हो जाएगा, सिंस आपके पास पहले कोई स्टॉक है नहीं, देयर इज नो बफर इन्वेंटरी, रिमेंबर जस्ट इन टाइम में देयर इज नो बफर इन्वेंटरी, ठीक है, कुछ होता ही नहीं आपके पास, खाली दुकान पड़ी हुई होती। तो आपका सप्लायर से आपका रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, पहली मस्ट चीज है जो स्टॉक, अगर आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर आपने जस्ट इन टाइम पे लेकर आनी, तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके सप्लायर से आपकी अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए। दूसरी चीज, प्रोडक्शन स्टाफ मस्ट बी मल्टी स्किल्ड एंड प्रिपेयर्ड टू चेंज जॉब्स एट शॉर्ट नोटिस, ठीक है, मल्टी स्किल होना चाहिए, जस्ट इन टाइम पे जो चीज कहे गए वो चीज बनानी पड़ेगी आप, तो इसलिए आप नया बंदा हायर नहीं करते, आपको वही बंदों के अंदर मल्टी स्किल रखनी पड़ती है, और उनके अंदर भी ये चीज एबिलिटी होनी चाहिए कि वो शॉर्ट टाइम नोटिस के अंदर अपने एबिलिटीज को फिगर आउट करें और उस लिहाज से जो रिक्वायरमेंट है उस लिहाज से काम करना शुरू करें, ठीक है। नंबर थ्री, द इक्विपमेंट एंड द मशीनरी मस्ट बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि यू नेवर नो कि आपको किस तरह का ऑर्डर आने वाला है, सही है। अब जस्ट इन टाइम का मतलब यह है कि आपके पास अगर कोई स्टॉक का कोई माल आता है और यू आर बेसिकली लाइक काइंड ऑफ मेकिंग केक्स, ठीक है, तो केक कोई भी आ सकता है और उसके लिहाज से केक एनिवर्सरी का भी आ सकता है, केक बर्थडे का भी आ सकता है, केक ऐसी किसी इवेंट का भी आ सकता है, किसी भी चीज का आ सकता है, पेस्ट्रीज भी आ सकती हैं, मफिन्स भी आ सकते हैं, डोनट्स भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि योर मशीनरी शुड बी फ्लेक्सिबल, इक्विपमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ, इसके लिए हमें काम करना होगा, ठीक है, और हम उसी ऑर्डर के लिए अपने सप्लायर से उसके मटेरियल्स मंगवाएंगे, अपने पास कोई क्वांटिटी में हमने कोई स्टॉक नहीं रखा हुआ होगा। नंबर फोर्थ जो चीज है कि एक्यूरेट डिमांड फोरकास्ट विल मेक जेआईटी मच मोर सक्सेसफुल पॉलिसी, अनलेस एंड अंटिल यू हैव नॉट एस्टिमेटेड द डिमांड एक्यूरेटली, जस्ट इन टाइम पे मत जाइए, क्योंकि आपके पास जस्ट इन टाइम में आपको पता होना चाहिए कितने नंबर ऑफ यूनिट की डिमांड आएगी, कभी कम कभी ज्यादा अगर होना शुरू हो गया तो सप्लायर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उसको पता नहीं होगा कि मेरे कितना सप्लाई करना है, प्लस वर्कर को अपना वर्कलोड के बारे में पता नहीं होगा, इससे उसको ये लगेगा कि उसका वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो रहा है, ठीक है, और एट टाइम्स वो ओवरबर्डन भी फील करेगा, ठीक है। सिमिलरली इसके अंदर एक और जो सिक्स्थ पॉइंट है, ये दीज आर द मस्ट हैव थिंग्स, यानी कि पहले ये चीज देखनी पड़ेगी, अगर ये चीजें हैं तब आप जेआईटी में जाएं, अगर ये चीजें नहीं है तो जेआईटी इज नॉट योर सॉल्यूशन, इट्स नॉट योर कप ऑफ केक, ठीक है। जो सिक्स्थ चीज है, दैट इज लेटेस्ट आईटी इक्विपमेंट विल अलाउ जेआईटी टू बी मोर सक्सेसफुल, इसका मतलब ये कि जिस जेआईटी सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं रिक्वायर्स कंटिन्यूस अपग्रेडेशन, ठीक है, जस्ट लाइक जैसे आपके मोबाइल फोन्स होते हैं वो अपने सॉफ्टवेयर को बार बार अपग्रेड करते रहते हैं, क्योंकि उस वक्त की रिक्वायरमेंट के लिहाज से दिस इज द चीज, अब कोई यूनिट वो हो गया, इनहांस हो गया है, कोई फीचर इनहांस करना है, कोई नई चीज एड ऑन करनी है, तो उसके लिए आपको देन एंड देयर आपकी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज जो सेवेंथ पॉइंट है, दैट इज के एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की जो रिलेशनशिप है, दैट हैज टू बी वेरी गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हैज टू बी देयर, सो दैट जस्ट इन टाइम वर्क्स स्मूथली, ठीक है। और लास्ट चीज जो है, क्वालिटी जो है वो हर एक का मैटर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जस्ट इन टाइम में अगर आपके पास, पहली बात तो ये कि क्वालिटी चेक करने का टाइम होता नहीं है, क्योंकि व्हाट एवर इज देयर इट हैज टू बी डेवलप, और उसमें चांसेस ऑफ एरर्स का एग्जिस्ट करते नहीं है, और यही वो चीजें हैं जिसकी वजह से शायद बिजनेस जो है वो जस्ट इन टाइम पे गलती नहीं करना चाहता, क्योंकि स्टॉक ही नहीं होता, जब स्टॉक ही नहीं होता तो डेफिनेटली उसके लिए थोड़ा सा मसला हो जाएगा, ठीक है। देन वी हैव टू थिंक अबाउट कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जस्ट इन टाइम जो है वो शायद हर बिजनेस के लिए इतना ज्यादा फेवरेबल नहीं हो सकता,
ठीक है, वो कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर जस्ट इन टाइम फेवरेबल नहीं हो सकता, मैं उनके बारे में बात करता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज जो है, जहां पर आपके पास आईटी सिस्टम्स जो है या आईटी एप्लीकेशंस जो है वो एग्जिस्ट ना कर रही है, ऐसे सिस्टम एग्जिस्ट ना कर रहे हो जो आईटी के साथ लिंक होना चाह रहे हो, यानी उसे आप इम्प्लीमेंट करके आपने स्टॉक इन्वेंट्री मैनेजमेंट को आप लोग प्रोडक्शन को आप लोग बेहतर तरीके से देखो जो आईटी सिस्टम है वो कहाँ पर होगी, कितना स्टॉक चाहिए, ए बी हमारे ऑपरेशंस यानी कि जो हमारा कंप्यूटराइज बिजनेस मैकेनिज्म है उसके अंदर प्रोडक्शन भी जस्ट इन टाइम पे होनी चाहिए, उसके लिए भी जस्ट इन टाइम, और उसके लिहाज से हमारा जो आउटपुट है डिमांड की जो एंटिसिपेशन है वो भी जस्ट इन टाइम बेसिस पर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये चीजें आप नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब ये अनफॉर्चुनेटली जस्ट इन टाइम इज नॉट योर डील। ठीक है, नंबर टू, छोटी फर्म जो है वो जस्ट इन टाइम सिस्टम्स को बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव समझती हैं, दैट इज द रीजन वाई वो कहती हैं हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे ही एग्जिस्ट कर जाते हैं, जबकि बड़ी फर्म जो है वो अपने आप को एकदम से मूव ऑन करके जस्ट इन टाइम पे आ जाती है। तो इफ यू आर बिजनेस स्मॉल देन जस्ट इन टाइम इज नॉट योर खेल। ठीक है, नंबर थ्री चीज जो है वो ये है कि आपकी डिपेंडेंस ऑन सप्लायर जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सिंस सप्लायर्स के ऊपर आपकी डिपेंडेंस बढ़ना सप्लायर को ये चीज इंडिकेट करती है कि अब आप उनके बगैर कुछ नहीं है, देयरफॉर दे माइट हैव ग्रेटर बार्गेनिंग पावर, दे माइट हैव देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस सेट इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू फॉलो इट एंड यू हैव टू सबमिट इट के आपको बात करनी है उनसे, बात मानना लाजमी होगा। सो देर आर चांसेस कि मेरे पास आईटी सिस्टम्स हैं, देर आर चांसेस कि मैं इतना पैसा है मेरे पास मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, बट माई सप्लायर इज नॉट रेडी टू मूव टू जस्ट इन टाइम, मैं जस्ट इन टाइम अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है जी, देन इससे रिलेटेड जो एक इंपॉर्टेंट टेबल है जिसको आप लोगों ने इसमें देखना है, दिस इज योर टेबल 24.1, सही है, which basically states the JIT inventory control के advantages and disadvantages, ठीक है? So ये आप लोग table अगर देख लें तो आपके पास just in time जो है ये एक easy way में complete हो सकता है। So this is it for unit number 4, ये हमने unit number 4 complete कर लिया है, सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। If you have any questions, तो आप वो questions अब chat box में लिख सकते हैं। एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो एक सेकंड अरिशा, मल्टीनेशनल इज बेसिकली ऑपरेटिंग डिफरेंट कंट्रीज वेयर इज मल्टी साइड रोटेशन डिफरेंट, जी हाँ बिल्कुल सही अरिशा ने बिल्कुल सही कहा, इट इज लाइक दैट, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा इरफान, इफ यू कैन यू सो गिव एक्सटर्नल इकोनॉमीज, फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए एक्सटर्नल इकोनॉमीज का मतलब ये है गवर्नमेंट जो ग्रांट्स दे रही है, तो गवर्नमेंट ग्रांट से अभी कंपनी को नहीं, तो कंपनी को तो नहीं देगी ना, तो सारी कंपनीज को मिलेगी तो आपको ही मिल रही है, तो आपकी कॉस्ट कम हो गई। ठीक है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी ऑफर कर दी है, सबको ऑफर कर दिया, आपको ही मिल गई, फायदा हो गया आपको। गवर्नमेंट ने कहा टैक्सेस ना दो इस बार, ठीक है, रिलीफ दे दिया, फायदा हो गया। आपको लगता है कि सामने आपके कॉम्पिटिटर की दुकान बंद हो गई, ठीक है, तो आपके लिए एक्सटर्नल इकोनॉमी स्केल हो गई, सही है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये एक इतनी ऑर्डर क्वांटिटी है जो हमारी डिमांड बेस्ड, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है डिमांड बेस्ड क्वांटिटी, सही है, जितनी डिमांड है बस उतना ही स्टॉक रखेंगे, इससे ज्यादा स्टॉक नहीं रखेंगे। हाउस इंक्रीज्ड सोशल कोहेजन इंपैक्ट एंटरप्राइज, दिस इज यूनिट वन, सही है, दिस इज यूनिट वन, आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिट नंबर 4, रोहा ये चीज मैं इसका थोड़ा सा आंसर वैसे भी कर देता हूँ। सोशल कोहेजन का जो है कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास बिजनेस जो है वो कोहेजन का मतलब होता है टुगेदरनेस, ठीक है, और टुगेदरनेस का मतलब ये है कि आपका जो बिजनेस जब पे भी काम कर रहा होता है तो उसमें अगर आप सोशली कनेक्टेड ना हो लोगों से, ठीक है ना, सोसाइटी से, सप्लायर से, कस्टमर से, सही है, और आपके बैंक से और कस्टमर बिजनेस से या कस्टमर सप्लायर से, सही है, सप्लायर बिजनेस से, तो जब आप उससे कनेक्टेड नहीं होते ना तो आपकी सोशल कोहेजन एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, अब जब सोशल कोहेजन एग्जिस्ट नहीं करती तो ये लोग कस्टमर हो गया, मार्केट हो गई, सोसाइटी हो गई, सप्लायर बिजनेस हो गया, कस्टमर बिजनेस हो गया, ये लोग जब आपके साथ कनेक्टेड ही नहीं होंगे तो डेफिनेटली दे आर नॉट विलिंग टू अंडरस्टैंड योर मोटिव ऑफ एक्टिविटी, सही है, या आपके एक्शंस उनको समझ नहीं आएंगे, जब उनका एक्शन समझ नहीं आएंगे दे मे नॉट बी रिएक्टिंग टू दैट लेवल जिस पे आप उनका रिएक्शन चाह रहे होंगे, दे मे नॉट बी एबल टू गेट कन्विंस्ड, ठीक है ना, और जब वो कन्विंस नहीं हो रहे होंगे तो डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ चांस कि मैं हायर प्राइस करना चाह रहा हूं क्योंकि मेरा सोशल कोहेजन अच्छी नहीं है, इसलिए
मेरी हायर प्राइस जो है कंज्यूमर रेडी नहीं है पे करने के लिए। हाँ, अगर मैं उसके साथ टुगेदरनेस को डेवलप करने में कामयाब हो जाऊं, जैसे मैं कनेक्शन डेवलप करने में कामयाब हो जाऊं और मैं फिर प्राइसेस बढ़ाता हूं, देन दे माइट अंडरस्टैंड के व्हाई द प्राइस इज इंक्रीज एंड देयरफॉर दे माइट बी एबल टू परचेज द प्रोडक्ट। सही है रोहा, ये आपको आंसर समझ आ गया? लेकिन है या सर मैं यूनिट वन का, यूनिट फोर का नहीं। सर बफर इन्वेंट्री इज जस्ट इन केस इन्वेंट्री राइट which we use after limited। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जस्ट ये सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल होती है जब आपके पास आपने ऑर्डर किया हुआ होता है और आपके जो है वो आपके पास फिर भी कस्टमर्स आ रहे होते हैं, तो जो आपके पास थोड़ा सा स्टॉक बचा हुआ था उसमें से चीजें निकाल निकाल के लगा पे दे रहे हो, ठीक है ना, दिस इज नोन एज बफर इन्वेंट्री। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एनी अदर क्वेश्चन? फोकस करें इसको यूनिट नंबर फोर में से अगर आप पूछ रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है। सॉरी, ओके, आई गेस वी आर डन। सो ये चीज प्लीज ध्यान में रखें कि यूनिट नंबर फोर हमारा कंप्लीट हो गया, वी आर जस्ट लेफ्ट विद यूनिट नंबर फाइव नाउ। वो हमारी कल की क्लास होगी, द क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट एट 12 इंशाल्लाह सेम टाइम, और लिंक आप लोगों को 10 मिनट पहले मिल जाएगा। वी विल बी टॉकिंग अबाउट फाइनेंस एंड देन वी आर डन विद द होल बुक। व्हाट आई डिड, आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको बुक का एक एक पेज पढ़ा दूं। ठीक है जी, जॉइन, एंजॉय करें, हैव फन।